जीत हमारे काफ़ी पुराने मित्र भी हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर, लेकिन हमारी मुलाकात उस दिनों की रही है जब हम फिल्म में थे ही नहीं, एक्टिंग करते ही नहीं थे। तो सडनली एक दिन आया जब वो यूएस से वापस आए थे लंदन से अपनी फिल्म ट्रेनिंग और असिस्टेंट काफ़ी कंप्लीट करके जब आए, तो उन्होंने कहा कि एक सब्जेक्ट पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और फिल्म 75% शूट हो चुकी है। तो मैंने कहा कहानी क्या है, वन लाइन बताना। तो जब उन्होंने वन लाइन बताई तो मैं इतनी टच्ड हुई, मैंने कहा ये बिहार की लड़की की कहानी है और एक माँ की कहानी है, मुझे कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा बताइए क्या कहना। मैंने कहा ये कहानी ना मुझसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो बोले मतलब, मेरी तो फिल्म शूट हो चुकी है। मैंने कहा अगर, जस्ट थिंक, अगर आपने कभी सोचा कि इस फिल्म में लड़की को रिप्लेस करना पड़ जाए, तो सबसे पहले आप मेरे पास आओगे और मैं इस फिल्म को, आई वुड वॉन्ट टू डू इट फ्री, मैं कोई पेनी नहीं चार्ज करूँ, क्योंकि ये लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है, लड़कियों की भावनाओं को बताती है और समाज में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने ये कहा, मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो मस्ती में कह दिया था, क्योंकि पता था फिल्म जब अभी 75% शूट हो गई है तो उसके बाद में शूट करने के लिए बचता क्या है। बट कुछ था जो चेंज होना था और एग्जैक्टली एक महीने बाद वो मेरे पास आए और कहें अगर मैं इस फिल्म को करने के लिए कहूँगा तो करेंगे आप। और मेरे लिए इतनी खुशी का मोमेंट था वो, मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। मेरी दो शूटिंग साइमल्टेनियसली चल रही थी और उस वक्त मेरी काफ़ी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, तो उस वजह से मैं बैक टू बैक शूटिंग कर रही थी। उसमें से एक फ़िल्म का नाम मुझे याद है, मैं नागिन तू नगीना शायद। तो दो फिल्म के बीच डेट्स को बीच में तोड़ के, दोनों डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को रिक्वेस्ट करके, मैंने बीच का 9 डेज़ का गैप फाइंड आउट किया और मैंने चंडीगढ़ में जाकर इस फिल्म को 9 दिन में शूट किया है। हम लोग सुबह 6 बजे उठते थे और कंप्लीट करते थे, स्केड्यूल कंप्लीट हो जाए। फिर 3 दिन का उनको लगा कि काम बहुत बढ़िया हो गया है, तो 3 दिन की शूटिंग हमने फिर मुंबई भी में भी की। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इस फिल्म को करने के लिए मुझे पूछा गया और मैं इस फिल्म को कर पाई। दिल से ख्वाहिश रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ योगदान लड़कियों की व्यथाओं को लेके, उनके सप्रेशन को लेके, और महिलाओं के लिए, जो मैं महिला सशक्तिकरण पर भी इतना काम कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ में काम करूँ, मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। एक दिल को अगर मैं छू पाऊँ, एक सोल को अगर छू पाऊँ और कह दूँ कि लड़कियों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनकी किस तरह से इज्जत होनी चाहिए, समाज में उनका क्या स्थान है, एक माँ बेटी बहन के रूप में वो जब आती है तो हर दर्जे को कितने प्यार से वो संजोते हुए आगे बढ़ती है जीवन में, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि उनको आप सबके प्यार की ज़रूरत है। कहीं भी कुछ भी ऐसा होते हुए अगर नज़र आए तो प्लीज़ इसके अगेंस्ट में वॉइस उठाइए, उनकी मदद कीजिए, दे नीड यू, थैंक यू सो मच। आज ये प्रीव्यू रखा गया, सभी लोगों ने देखा और फिल्म को सराहा, खास करके आपकी एक्टिंग को सराहा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि उस लड़की की मन की जो व्यथा थी, मैंने सिर्फ उसको फील किया और उसी को पूरे शूटिंग में मैंने उस किरदार को जिया। उसके बाद भी कई दिनों तक, मतलब मेरे दिल पे और दिमाग पर वो लड़की का किरदार छाया होता था कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। नो डाउट मैं जी रही थी उस किरदार को, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा या उसने क्या फील किया होगा जिसके साथ में ये घटना सच में हुई है, तो बड़ा दर्द होता था, पेन होता था। कई बार ऐसा होता था कि शूट में 2-3 जगहों पे आप अगर क्राइंग सीन्स देखेंगे तो जब मैं रोना शुरू कर देती थी और उस मोड पर चली जाती थी, मुझे वापस लाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। शॉट ख़त्म हो जाता था और उसके बावजूद भी शॉट ख़त्म होने के बाद में ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स में कंटिन्यूसली रोई हूँ और सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, मेकअप स्टाफ पूरा परेशान रहता था कि मैम क्या हो गया आपको। पर मुझसे वो मोमेंट्स बर्दाश्त नहीं होते थे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। ऐसी कई सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ में ये हर रोज़ वाक्य कहीं ना कहीं होते हैं। प्लीज़ वॉइस अगेंस्ट ऑल दिस, इस तरह का क्राइम नहीं होने देना चाहिए।
जिस लड़की को आप पहले सिखाते हो, समझाते हो चार दीवारी के अंदर रहना है, हमारा कल्चर ये है, हमारी भारतीय संस्कृति ये है, और फिर एक दिन उसको आप उठा के उन भेड़ियों के, दरिंदों के सामने छोड़ देते हो जो उसके साथ में जो हश्र करते हैं, उसके ऊपर उसका मानसिक किस तरह का तनाव बना होगा या बनता होगा, किस तकलीफ़ों से उसे गुजरना पड़ता है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने को लेकर मुझे जो ख्याल आता है वो इसीलिए आता है कि एटलीस्ट वो अपने आप के लिए फ़ाइट करें, अपने आप के लिए वॉइस उठाएं। और मैं चाहूँगी कि हर एक कोई जो भी ये फिल्म देखे, प्लीज़ वॉइस अगेंस्ट दिस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म के बारे में यह है कि फिल्म तो थोड़ा बहुत अच्छी फिल्म बनी है, उसमें बेटी को बहुत प्रताड़ित किया गया है, बहुत शर्म की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, एक फिल्म में कहीं कहीं उसी का एक अंग है। क्या कहना चाहिए उस जो है अभियान को, कहाँ तक आगे पहुँचना चाहिए? बहुत आगे बढ़ाना चाहिए ये, हम लोग भोजपुरी में इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी कंपनी इस पर बहुत करेगी कि बेटी को बचाओ। आपकी कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसका नाम बताइए और किस तरह से जुड़ी है? मेरी कंपनी टीम फिल्म है, टीम फिल्म कंपनी। इस फिल्म के लिए क्या कर रहे हैं आप? भोजपुरी को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग, भोजपुरी के भोजपुरी को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, गायकों को, नए गायकों को हम उभारने चाहते हैं, नए गायक आगे बढ़ें। हमारी कंपनी अभी तक किसी कंपनी ने 40% नहीं दिया है। हमारी कंपनी छोटे गायकों को 40% प्रोत्साहन राशि दे रही है कि 40% है, बहुत अच्छा। तो ये कंपनी कब से काम कर रही है, आगे क्या? कंपनी 4 साल से काम कर रही है, ये कंपनी 4 साल से काम कर रही है। आगे कंपनी का क्या होता है? कंपनी का हमारा तो उद्देश्य है कि हम लोग भोजपुरी को बढ़ावा दें, बढ़ाते जाएं भोजपुरी के माध्यम से। आई ये तो फिल्म देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, भोजपुरी के माध्यम से बेटी को बचाव करना, बढ़ावा देना चाहिए। बाकी अंग्रेज ने जो रोल किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो ये जो धिया, हमारे पूर्वांचल की बेटियों को धिया कहा जाता है, और अभी भी मेरी आवाज़ इतनी भरी हुई है। पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसी एक मूवी देखी है जिससे लग रहा है कि मैं सच में कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसको देख करके आंखों में आंसू आ जाए। और नो डाउट पाखी जी वैसे भी बहुत बड़े स्टार हैं, और उन्होंने आज तक, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर को खड़ा किया जाए और उसको वो खा नहीं जाए। मगर इसमें देखा जाए एक माँ जो अपने बच्चे के लिए तरस रही है, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए तरस रही है, और आज के जनरेशन में जो लड़कियों को सारा सम्मान देते हुए भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उस सम्मान को पाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को पाने के लिए कैसे उसमें फ़ाइट की है, कैसे वो रो रो करके सोई है, ये बहुत ही अलग फिल्म है। और जिस हिसाब से पाखी जी ने इसमें एक्ट किया है, पाखी जी को ना ऑस्कर अवार्ड हम लोगों को तरफ से अपनी अपनी देना चाहिए, और उनको हर किसी से ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है, अभी गणेश जी हमारे साथ हैं, गणेश जी टीम कंपनी के मालिक हैं, टीएफ कंपनी के, और हम लोगों ने अभी सब, हमने, अमित जी ने, सब लोगों ने मिल करके कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स करने की तैयारी की है। और हमारा एक ध्यान रहेगा कि साफ़ सुथरी चीज़ें की जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें, जैसे ये भी मूवी है, इसको देख के जो इमोशन आ रहा है ना, वो हमें आज के भोजपुरी मूवी से नहीं आ पा रहा है। तो प्लीज़ मैं सारे भोजपुरी के लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी मूवी बनाई जाए जो घर के पारिवारिक माँ बहन बाप एक साथ बैठ कर के देख सकें। आज के डेट में सबसे बड़ा दुख और विडम्बना यही है कि हम अपनी लेडीज़ को, कभी हमने भोजपुरी के थिएटर में लेडीज़ को नहीं देखा है और बेटियों को नहीं देखा। एक लाइन मुझे बड़ी प्यारी सी याद आ रही है जो मूवी के एंड में है, माँ मेरी माँ तेरी बेटी का ही रोती है, माँ मेरी माँ तेरी बेटी का ही रोती है। इट्स अ सच अ अमेजिंग मूवी, हैट्स ऑफ टू पाखी जी एंड दिस मूवी धिया। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है धिया, और धिया का मतलब
होता है कि बेटी, जो हमारे भोजपुरी में शुद्ध बोला जाता है कि धिया। और वाकई ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और इसके डायरेक्टर दीप मथारू जी और जीत मथारू जी और को प्रोड्यूसर नसीफा जी, बहुत अच्छे कंसेप्ट इन्होंने लिया है और बहुत अच्छी काम किया है। और इसमें इस फिल्म में जो काम पाखी जी ने किया है, वाकई उन्होंने अपने अभिनय को बहुत ही काबिल तारीफ है जो इन्होंने काम किया है। बस हैट्स ऑफ यार, बोल नहीं सकता मैं। और बेटी बचाओ बेटी अभियान पे ये पिक्चर है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। बस टीएफ कंपनी के लिए क्या कहना चाहेंगे? टीएफ कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है और नए सिंगरों को अच्छा चांस दे रहा है और अच्छी प्लेटफॉर्म है और बोलबम अच्छा है। देवी गीत आ रहा है और सारे लोग सिंगर, रितेश पांडे से लेके बड़े बड़े सिंगर्स, दिनेश जी भी आ रहे हैं, अभी आज ही बात हुई, सारे सिंगर आ रहे हैं। और अभी मैं शॉकिंग है, अभी मैं धिया के माइंड में हूँ, अभी कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू। जो फिल्म देखा धिया, एक बहुत अच्छी फिल्म है। और जो जीत मथारू जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किरदार भी किया, जीत मथारू जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। और ये फिल्म जो है, जो भी बेटी बचाओ अभियान है मोदी जी का, उसके लिए अभी हम लोग सोचेंगे। और हमारे निशा जी हैं, अभी हम कोशिश ये करेंगे कि इनसे भी बोल के, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी से बोल के, बेटी बचाओ अभियान में जो है इसको अवसर के लिए किया जाए। आपने देखा पाखी जी का एक्टिंग, देखा क्या वर्ड्स नहीं है, मगर फिर भी कुछ बोलना पड़ेगा कि पाखी जी ने अपना जो एक्सपीरियंस है और एज ए नॉन भोजपुरी होने के बाद जो फिल्म में काम किया है, पाखी जी सैल्यूट के लायक है। सैल्यूट है, मतलब 100 times सैल्यूट है पाखी जी को। और इस फिल्म को ऑस्कर बाद में दिया जाएगा, आज ही ऑस्कर के लिए अनाउंस कर देना। जो भी अवार्ड्स है वो इस फिल्म का है, चाहे वो दिया हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो माँ हो। माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। पाखी जी, देखिए पाखी जी हिमसेल्फ, उन्होंने सेल्फ मेड है वो, और जो उन्होंने एक्टिंग दिखाई है वो दिख रहा है कि वो एक बेटी है, वो उनके ऊपर ये हुआ है, इस तरह से उन्होंने इसको दिखाया। इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स ओरिजिनल, वेरी गुड। पाखी जी को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जो फीलिंग्स इन्होंने इस फिल्म में दिया है, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। थैंक्स अ लॉट। पाखी जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पाखी जी वैसे तो बहुत अच्छी एक्टर, नो डाउट, इतना एक्सपीरियंस और इतना काम किया हुआ, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। क्या कहना चाहिए? और इस फिल्म को देख के भी, मुझे पाखी जी की एक्टिंग देख के, अब मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी पाखी जी जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने वाली है, और उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। आप मेरी ये बात याद रखें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि धिया फिल्म जो मैंने देखी है, यहाँ पर लिखा है भोजपुरी, ये गलत है। इट्स नॉट अ भोजपुरी मूवी, आप इसको बांध नहीं सकते, भोजपुरी फिल्म एक स्टोरी है, एक कहानी है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छा उतारा है। तो आप इसको भोजपुरी नाम बोल के हम लोगों को, मुझे लगता है किसके साथ अन्याय है। तो इट्स अ फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म और नाइस एफर्ट्स, वेरी गुड एक्ट बाय एवरीवन। सबने पाखी जी तो बहुत अच्छा काम किया है और लोकेशंस वगैरह कमाल है। मुझे स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब बहुत अच्छा लगा। बहुत कम फिल्म में ही मैं पसंद कर पाता हूँ, उनमें से एक फिल्म ये अच्छी है, धिया अच्छा लगा। दिया का एक्चुअली मतलब मुझे भी नहीं पता था, पर फिल्म देख के बड़ा अच्छा लगा। बहुत मेरी दिल से शुक्रिया, मतलब दिल से शुक्रिया जीत मटारू साहब को, जिन्होंने फिल्म बनाई है, उनको एक अच्छी फिल्म दर्शकों को दिया है। हैट्स ऑफ। थैंक यू। विष्णु जी, बात करें, आज आपने देखा फिल्म दिया, क्या कहना, दिया मतलब बेटी, एक बेटी की विरह को, एक बेटी के माँ को, वेदना को पाखी जी ने व्यक्त किया, प्रस्तुत किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि रियलिस्टिक फिल्म का जो आज दौर चल रहा है बॉलीवुड में, उस तर्ज पे ये फिल्म बनी है, रियलिस्टिक सिनेमा है और काफ़ी रियल लोकेशन पे इसको बड़े नेचुरल तरीके से पिक्चराइज किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो धिया, जो टाइटल रोल पाखी जी ने किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है, हृदय स्पर्शी, बहुत ही मार्मिक फिल्म है ये। और इसमें जो इन्होंने अभिनय किया है, वाकई बहुत ही जीवंत अभिनय है, मतलब कई सीन में तो आदमी एकदम आत्मविभोर हो जाता है। काफ़ी अच्छा एफर्ट है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं
इस पूरे फिल्म के टीम को कि भाई इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है और इस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, समाज की कुरीति को सब्जेक्ट बना के फिल्म बनाया इन्होंने, बहुत सारे शुभकामनाएं। कहना चाहेंगे दिया फिल्म का आज प्रीव्यू हुआ, आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बहुत ही अच्छी है, नेचुरल फिल्म है, लोकेशन बहुत ही प्रॉपर यूज़ किया गया है, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत उमदा हुआ है। सबसे अच्छी हैं इस फिल्म की गाने, मतलब सॉन्ग जो कि इमोशन ला रहा है, फीलिंग्स ला रहा है, बहुत अच्छी मूवी बनी है और मैंने ऐसी फिल्म बहुत कम देखी है और इस फिल्म को मेरे हिसाब से अवार्ड मिलना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। And there are scenes that have really touched my heart, and I'm still under the effect. I'm getting goosebumps while talking about it. Trust me, there are scenes which made me jump out of my seat, and they cast such an effect ki mere dimag pe abhi bhi asar hai. Aur it's substantial cinema. After a very long time, I'm seeing a movie that I would really stand up and say it needs to go to Oscar straight, and. It's not about just creating a movie for dance and songs. It's a movie which is using cinema for the right message. We've seen Nirbhay, we've seen other rape cases. We've seen this every day in our newspapers. But so far, no one has really cared to bring it up in the way Dhia has brought it up. I appreciate cinema for the first time. It is worth respecting a media that's really passing the message correctly, and this is touching, and I'm too emotional after this, and it's too real, and I hats off to the director, the actors, the whole concept is just class apart, simply class apart. Thank you so much. Rajesh ji, ye aapne diya dekha, Pakhi ji ki acting dekhi, aapne kya kehna chahenge aap? जी देखिए, अभी मैं बात करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस फिल्म के बारे में सोच के। हमारे एक पीएम मोदी जी का एक सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान के लिए इससे बेहतर कोई फिल्म हो नहीं सकती है। मेरी बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये मैसेज देने के लिए ये पीएम मोदी तक जानी चाहिए, फिल्म पीएमओ तक ये फिल्म पहुँचनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएँ हैं इस फिल्म के लिए, पाखी जी के लिए, मथाऊ जी के लिए, कि यह फिल्म अल्टीमेट करे। थैंक यू सो मच। गदर के बाद क्या धमाका कर? गदर के बाद में मेरी एक फिल्म रेडी है, इंतकाम, ईश्वर चाहेगा तो सितंबर में रिलीज़ करेंगे उस फिल्म को। कह सकते हैं जो गदर में आपने मात खाई है, इंतकाम लेके पूरा करेंगे? जी मात तो नहीं खाई है, ठीक है, मर जाते हैं आप ना? हाँ जी जी हाँ हाँ, लेकिन मेरी फिल्म इंतकाम में भी मेरी मौत हो जाती है दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, अपनी बहन को बचाते वक्त। ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इंतकाम को भी देखेंगे, जैसे गदर को सराहा है आप लोगों ने, मेरी फिल्म इंतकाम को भी सराहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। दिया का प्रीव्यू हुआ और सब लोगों ने सराहा, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में जो आपने प्रोड्यूस किया है, पाखी जी ने जो एक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे, पूरे कंसेप्ट कैसा रहा आपका? जी जी बताएं प्लीज़। देखिए, फर्स्ट टाइम हमने इसकी स्क्रीनिंग की है, ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं हम, सारा नेशन तकरीबन 30-40% भोजपुरी बोलता है, तो रिस्पांस देखकर तो मतलब बिल्कुल रोंटे खड़े हो गए हैं, और परफॉर्मेंस तो देख ही लिया आपने कितना अच्छा है। बाकी जल्दी प्लान करके रिलीज़ करेंगे इसको। सॉरी सर, इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का आइडिया कैसे आया आपको? ये अब यू से समथिंग ना, आई थिंक ये सब्जेक्ट फ़िलहाल के लिए बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, जब औरतों पर बात आ रही है और आजकल रेप केसेस और औरतों के साथ ज्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में कम से कम 10 खबरें इसमें इससे भरी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर लाइट डालना और अपने तरीके से जो भी है, और हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये आज तो अभी न्यूज़पेपर के ज़रिए आ जाता है, ये उस ज़माने की भी बात है कि कम से कम 50 सालों से ये प्रथा चली आ रही है, तो हाईलाइट जब तक करेंगे नहीं इस पर और लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी है जिन पर बहुत सारी फिल्में बनती है, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, और ये है एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी हमारे दिमाग में था,
और हमने सोचा क्यों ना एक फिल्म डेडिकेट करें दुनिया भर की बेटियों को, इसलिए नाम भी हमने दिया रखा। आप क्या कहना चाहेंगे पाखी जी ने जो एक्टिंग किया उनके बारे में? पाखी जी की एक्टिंग, आई थिंक इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनसे अच्छा इस कैरेक्टर को कोई खींच नहीं पाता। मतलब इस तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया है गंगा के कैरेक्टर को कि मैं जब दिया सोचती हूँ और गंगा सोचती हूँ तो मैं सिर्फ पाखी जी को ही सोच सकती हूँ, मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई इसको कैरेक्टर को निभा पाता। आपने जो लास्ट में एक मैसेजफुल कैरेक्टर किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये गाना किया और एज अ मदर जब मैंने वो कैरेक्टर निभाया तो मुझे लिटरली मतलब रोने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी जो मुझ पर गुजरी उस वक्त के। एक बेटी की लाश अगर सामने होगी किसी भी माँ के तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, वो नेचुरली आता है। तो बाकी सारी माओं को दुनिया में जो इन चीज़ से दिन रात लड़ रही है उन सबको हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। हमारी तरफ से ये सारी दुनिया भर की माओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को, बेटियों को, सबके लिए एक सलाम है, हमारा एक सैल्यूट है। कोशिश की है हमने, बाकी अभी आप लोगों का आप किस तरह इसको पहुंचाते हैं लोगों तक वो बहुत ज़रूरी है। जी क्या अभी प्रीव्यू आपने देखा, पाखी जी की एक्टिंग देखा, पूरी फिल्म आपने देखा, क्या कहना चाहेंगे? पिक्चर फिल्म तो दिल को छू ली पूरी। मैंने काफ़ी एक्ट्रेस देखी हुई है लेकिन आज जो पाखी जी की एक्टिंग देखी, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन माई लाइफ। क्या पाखी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शी इज़ द बेस्ट नंबर वन। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्होंने सब डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा किया।